हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कंपनी लॉ। कंपनी लॉ का आज का लेक्चर नंबर 23 है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो समझा था वो था अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय शेयर होल्डर्स। ऐसे कौन कौन से डायरेक्टर्स होते हैं जिनको अपॉइंट कौन करते हैं? शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं AGM के अंदर, यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर, OR यानी कि ऑर्डिनरी रेजुलेशन पास कर करके। तो इसमें सबसे फर्स्ट हमने कर लिया था वो था रिटायरिंग रोटेशनल डायरेक्टर। ऐसे डायरेक्टर्स जो रिटायर होंगे रोटेशन से, जिसकी मैंने कैलकुलेशन भी आपको लास्ट लेक्चर में अच्छे से बताई थी, तो ऐसे डायरेक्टर जो रोटेशन से रिटायर होंगे, ऐसे डायरेक्टर को जो शेयर होल्डर होते हैं वो अपनी AGM के अंदर OR पास करके अपॉइंट करते हैं। और इस पर लगता था सेक्शन नंबर 152। ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था लास्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर के अंदर हम समझने वाले हैं जो फ्रेश कैंडिडेट होता है, जिसपे सेक्शन नंबर 160 लगता है, इसको अपॉइंट करते हैं कौन? शेयर होल्डर्स कहां पर? अपनी AGM के अंदर OR पास करके। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आइए मैं बताता हूं आपको। रिटायरिंग रोटेशनल डायरेक्टर, ऐसे डायरेक्टर जो रिटायर होंगे रोटेशन से, है ना। मैंने आपको कैलकुलेशन बताई थी कि टोटल और नंबर ऑफ डायरेक्टर जो है उसका 2/3 करेंगे, तो जो अपर राउंड ऑफ करने के बाद एक नंबर आया, तो जो हमारे 7 आया था, तो 7 डायरेक्टर्स में से ही कोई ना कोई डायरेक्टर क्या होगा? रिटायर होगा। और रिटायर कितना होगा? 1/3। अब जो डायरेक्टर रिटायर हो रहे हैं उनको रीअपॉइंट किया जा सकता है वापस। रिटायर्ड डायरेक्टर को रीअपॉइंट किया जा सकता है। हमारे 3 आ रहे थे ना 1/3, तो रिटायर्ड डायरेक्टर को रीअपॉइंट कर सकते हैं शेयर होल्डर्स अपनी मीटिंग के अंदर AGM के अंदर OR पास करके। जो डायरेक्टर रिटायर हो रहा है, भैया जा मत, आ जा वापस, आ जा, अपॉइंट हो जा, वापस काम कर ले, तो रीअपॉइंट हो गया। लेकिन सेक्शन नंबर 160 के अंदर रीअपॉइंटमेंट नहीं होता, यानी कि इसके अंदर जो डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है वो कौन सा होता है? फ्रेश कैंडिडेट, जो कंपनी में पहले कभी डायरेक्टर नहीं बना, जो अभी डायरेक्टर नहीं है, रीअपॉइंटमेंट बिल्कुल नहीं होगा। यानी कि जो सेक्शन नंबर 152 के अंदर रिटायर हो रहे हैं डायरेक्टर्स, उनको रीअपॉइंट करने की बात नहीं चल रही, किसी अन्य मेंबर को अपॉइंट करने की बात चल रही है, फ्रेश कैंडिडेट। ओके, तो ये दोनों इन सेक्शन में डिफरेंस है। आइए मैं आपको और डिटेल के अंदर इसके बारे में बताता हूं। यहां पे ये रहा, यहां डिटेल के अंदर लिखा हुआ है फुल। देखिए, अब इतना सब कुछ आप पढ़े तो पढ़ सकते हैं, और इसका मीन क्या है वो मैं आपको जो एक डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश करता हूं। आप चाहे तो उसको रीड कर सकते हैं। इसमें यही लिखा हुआ है, अ पर्सन हु इज नॉट रिटायरिंग डायरेक्टर, एक ऐसा पर्सन जो रिटायरिंग डायरेक्टर नहीं है, नॉट अ रिटायरिंग डायरेक्टर, उस पर्सन को अपॉइंट करना, वो आता है सेक्शन नंबर 160 के अंदर। यानी कि एकदम फ्रेश कैंडिडेट है, पुराना नहीं है, रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा, न्यू अपॉइंटमेंट होगा इस सेक्शन के अंदर। तो इसीलिए लिखा हुआ है सेक्शन 160, राइट ऑफ पर्सन अदर देन, ऐसे पर्सन के पास अधिकार होता है अपॉइंट होने का जो कौन है? अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर टू स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप। रिटायरिंग डायरेक्टर के अलावा जो अदर मेंबर है उनको अपॉइंट किया जाता है एज अ फ्रेश कैंडिडेट। ओके, इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, मैं इसको आपको डायग्राम में बताता हूं, जो मैं बताऊंगा वही यहां पर लिखा हुआ है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज पर, यहां पर, ठीक है। इसको थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर दूं, ज्यादा बेहतर रहेगा। ये देखिए, ये बड़ा कर देते हैं स्क्रीन को थोड़ा सा। ओके, बड़ी, तो मान लेते हैं ये है एक डायरेक्टर, ठीक है, और ये डायरेक्टर जो है ये कौन है? फ्रेश कैंडिडेट है, यानी कि पहले कभी ये डायरेक्टर नहीं बना और ना ही रिटायर हुआ, ठीक है। ओके, या आप इसको समझ सकते हैं मेंबर, और इसी को बोला जाता है प्रपोज्ड डायरेक्टर। प्रपोज्ड डायरेक्टर है ये, ठीक है। अब ये जो प्रपोज्ड डायरेक्टर है जिसको अपॉइंट होना है, ये क्या करेगा? जिस दिन AGM होने वाली है कंपनी की, क्या होने वाली है? जिस दिन AGM, मान लेते ये कंपनी है, तो कंपनी की जिस दिन AGM होने वाली है, एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली है, तो AGM से एट लीस्ट 14 डे बिफोर फ्रॉम AGM से 14 दिन पहले। AGM से कितने दिन पहले? कम से कम 14 दिन पहले, उससे ज्यादा कर सकता है पहले, एक नोटिस भेजना पड़ेगा। किसको नोटिस भेजना पड़ेगा? इसको, कंपनी को, कि भैया मैं जो है तुम्हारी कंपनी में एज अ डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहता हूं। प्लस केवल नोटिस ही नहीं, 14 दिन पहले नोटिस भी भेजना है, और 1,00,000 रुपए रिफंडेबल डिपॉजिट भी भेजना है। रिफंडेबल डिपॉजिट 1,00,000 रुपए भी सेंड करने होंगे, चेक वगैरह कुछ देगा, DD वगैरह बना के इसको भेजेगा। तो जो बंदा एज अ फ्रेश कैंडिडेटर, पहले कभी रिटायर नहीं हुआ है, वो इस कंपनी में अगर सेक्शन नंबर 160 के अंदर एज अ फ्रेश कैंडिडेट न्यू डायरेक्टर बनना चाहता है, न्यू पर्सन, तो उसको 14 दिन पहले, किससे 14 दिन पहले? AGM से 14 दिन पहले नोटिस भेजना पड़ेगा कंपनी को, कम से कम 14 दिन पहले है,
इतने दिन तो होने ही चाहिए एजीएम हेल्ड होने के लिए, इतना समय कंपनी के पास होना चाहिए, इससे पहले भी भेज सकता है लेकिन 14 दिन बाद नहीं भेज सकता, फिर वो डायरेक्टर नहीं बन पाएगा क्योंकि नोटिस ही वैलिड नहीं होगा, प्लस 1,00,000 रुपए रिफंडेबल डिपॉजिट भी इसको सेंड करना पड़ेगा। अब कंपनी यहां से आगे दो काम करेगी। अब कंपनी एक तो क्या करेगी, कंपनी दो काम करेगी, एक तो कंपनी क्या करेगी, जो नोटिस भेजा है ना उस नोटिस की कराएगी कॉपी, ओके, कॉपी ऑफ नोटिस, नोटिस की क्या कराएगी, कॉपी कराएगी, कॉपी ऑफ नोटिस सेंड टू मेंबर, और उसको सारे के सारे मेंबर यानी कि शेयर होल्डर, सेंड टू मेंबर एट लीस्ट 7 डे बिफोर एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड करने से 7 दिन पहले, कितने दिन पहले, 14 दिन पहले यहां से नोटिस मिला, कम से कम 7 दिन पहले उस नोटिस की फोटोकॉपी सारे शेयर होल्डर सारे मेंबर्स को भेजनी होगी कंपनी को, कि ये भाई साहब जो है जो एजीएम होने वाली है 7 दिन बाद में, उसमें एज अ डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहता है तो आप आइए और आकर के वोट कीजिए, इसको करे ना करे लेकिन मीटिंग में आइए आप और वोटिंग के थ्रू डिसीजन लीजिए कि इसको एज अ डायरेक्टर अपॉइंट करना है या नहीं। ओके, ये नोटिस दो तरीके से भेजा जा सकता है, वेबसाइट पर अपलोड किया जा सकता है, कंपनी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगी, और न्यूज़पेपर में भी देख सकती है, आजकल तो ईमेल का जमाना भी है तो ईमेल बढ़िया रहेगा, ठीक है। ओके जी, अब देखिए यहां पर ये हो गया कंपनी का काम खत्म, अब क्या होगा, एजीएम होगी, एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड की जाएगी, और एजीएम के अंदर क्या किया जाएगा, पास ओआर कि इस बंदे को डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट किया जाए या नहीं, यानी कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, सामान्य प्रस्ताव पास किया जाएगा, वोटिंग के थ्रू किया जाएगा। अगर ओआर पास हो जाता है कब होगा, 51% से ज्यादा वोट आ जाता है कि भाई अपॉइंटमेंट कर दो इसको एज ए न्यू डायरेक्टर, जो प्रपोज डायरेक्टर है उसको, तो ओके उसको डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट कर देंगे। अगर नहीं ओआर पास नहीं हो पाता है यानी कि 51% से ज्यादा वोट नहीं आ पाते हैं तो फिर इस बंदे को डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट नहीं किया जाएगा। तो दो सिचुएशन होती है, एक तो ओआर पास, यस ओआर क्या हो गया, पास हो गया, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो गया। अगर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो गया तो इस बंदे को क्या करेंगे, अपॉइंट कर देंगे एज अ डायरेक्टर, जो भी है राम श्याम मोहन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर, और जो 1,00,000 रुपीज है जो इसने जमा कराए थे वो इसको रिफंड कर देंगे, 1,00,000 रुपीज रिफंड, वो इसको 1,00,000 रुपये रिफंड कर देंगे। बट अगर किसी वजह से ओआर पास नहीं हो पाता है, ओआर जो है वो पास नहीं हो पाता है, तो अब क्या करें, तो अब इसको डायरेक्टर के तौर पर तो अपॉइंट नहीं कर सकते लेकिन इसके 1,00,000 रुपये का क्या होगा, तो उसमें यह आता है फंडा, इसको वोट कितने मिले, हाँ 51% तो नहीं मिले होंगे लेकिन कम से कम 25% वोट मिले हैं, यस अगर 25% या उससे ज्यादा वोट मिले हैं इसको तो इसके 1,00,000 रुपए रिफंड हो जाएंगे, तो इसको 1,00,000 रुपीज रिफंड कर देंगे। लेकिन अगर इसको वोट 25% से कम मिले हैं, है ना, 25% से क्या मिले हैं, कम मिले हैं, तो इसको 1,00,000 रुपए जो है वो रिफंड नहीं होंगे, उसको रिफंड नहीं किया जाएगा। समझ में आ गया, तो ओआर अगर पास नहीं हुआ तो डायरेक्टर तो अपॉइंट नहीं हो सकता, लेकिन 1,00,000 रुपीज रिफंड करने या नहीं वो डिपेंड करता है कि उसने 25% प्लस वोटिंग उसको मिली है या नहीं। अगर 25% से ज्यादा वोट मिले हैं तो ठीक, नहीं तो जमानत जब्त हो जाएगी, जैसा इलेक्शन में होती है, इतने वोट तो आने ही चाहिए आपको, नहीं तो जमानत जाएगी, है ना। और यहां पर 25% से ज्यादा वोट कम आ जाते हैं तो फिर वो पैसा रिफंड नहीं होगा वो जो उसने जमा कराया है। इसके अलावा कंपनी एक और काम करेगी, अगर उसको ओआर पास हो जाता है और वो डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट हो जाता है तो कंपनी को काम क्या करना पड़ेगा, कंपनी को एक नोटिस भेजना पड़ेगा, किसको, आरओसी को, कौन से फॉर्म में, DIR-12 के अंदर, बताया अभी था मैंने आपको, है ना, DIR-12 के अंदर नोटिस भेजना पड़ेगा आरओसी को कि ये बंदा जो है एज अ डायरेक्टर अपॉइंट हो गया है, ओआर पास हो गया है, 1,00,000 रुपए इसको रिफंड कर दिए हैं, और कब भेजना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट होने के विदिन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन अपॉइंट हुआ है उसके 30 दिन के अंदर अंदर ये नोटिस भेजना पड़ेगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि जब मैं आपको नोट्स दूंगा तो ये डायग्राम अवेलेबल नहीं होगा, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले जरूर ले। नोट्स आपको पता है हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाते हैं, जो मैं यहाँ करवाता हूँ, लेकिन जो मैं लिखवाता हूँ वो नहीं मिलेगा, जैसे ये है, इसको आप क्या करें, खुद अपने जो आपको नोट्स मिल रहे हैं उसमें आप खुद लिख सकते हैं। आई होप आपको ये सेक्शन समझ में आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट सेक्शन के अंदर, जो कि हमारा बचता है 161 सेक्शन, और उसके अंदर जो सब सेक्शन है 1, 2, 3, 4 एडिशनल अल्टरनेट डायरेक्टर वाला, ठीक है, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है कौन कौन से डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे।
आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, सपोर्ट करें इसी तरीके से हम, ताकि लेक्चर लाते रहे, मोटिवेशन मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।